इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने बहुत ज़्यादा बार जो है इस तरीके से थंब्स देखे होंगे, फोल्डर्स या थंब्स डेटा या थंबनेल्स फाइल मैनेजर में हमें शो करते रहते हैं। तो इनका रीज़न क्या होता है दिखाई देने का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या होते हैं ये भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अब ऐसे थम्स हो, थंबनेल्स हो या थम्स डेटा हो, जब भी ये फोल्डर्स आपको दिखाएंगे तो इनके अंदर एक वीडियो होगी मान के चलिए, या एक फ़ोटो होगा उसका एक पार्ट होगा, ठीक है। अब मान के चलिए फ़ोटो है 10 MB का, तो वो जो पार्ट रहेगा वो रहेगा KB के हिसाब से, 10 KB, 2 KB, 4 KB, 100 KB से नीचे ही रहेगा। अब वो क्यों होता है, ये क्यों बनाता है थंबनेल्स, और कभी कभी हम डिलीट भी कर देते हैं फाइल्स को, लेकिन थंबनेल्स ये बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो मोबाइल होता है इनको उन फाइल्स को प्रोसेस करने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है जिनको पूरी फाइल्स खोलने में होती है। अब लाइक जैसे कि मैं एक यहाँ पर अपना बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, यहाँ से हम अब बैक आ गए, ये वाला फोल्डर खोलते हैं DCIM, ये गैलरी में भी सिस्टम ऐसे ही करेगा और यहाँ पर भी, तो इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं तो ये खुलने में बहुत देर लगा देगा। लेकिन इसी की जगह इतने फ़ोटो अगर थम्स में होते या थंबनेल्स में होते तो वो वहाँ पर इजीली उसको खोल देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत टाइम लगा दे, तो इसलिए यहाँ पर वो प्रोसेस करने में, एक्सेस करने में या देखने में बहुत आसानी तरीके से मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये रहते हैं छोटी छोटी सी फाइल्स, तो इसलिए थंबनेल्स और इसमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ ही मिलते हैं, फ़ोटोज़ या छोटे छोटे से फ़ोटोज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी क्या है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।